नाउ क्लास थ्री, अब आप सभी, आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन आउट योर कॉपीज, ईवीएस कॉपी। नाउ यू राइट द हेडिंग, जो मैं बोल रहा हूं वही हेडिंग लिखो। नाउ यू राइट द हेडिंग, ये वाला लिस्ट ऑफ, ये जो रेड से देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं रेड से, लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट नेम्स, ये लिखो हेडिंग। राइट दिस हेडिंग फास्ट, राइट द हेडिंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट नेम्स, यही हेडिंग लिखो। राइट द हेडिंग दिस वन, लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड द पार्लियामेंट। ओके, ये हेडिंग लिख लेने के बाद दो कॉलम खींचो कॉपी में, एक कॉलम का हेडिंग लिखो कंट्री और दूसरा कॉलम का हेडिंग लिखो पार्लियामेंट नेम। क्लियर? पहले हेडिंग लिखो लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड द पार्लियामेंट नेम्स। ओके, फर्स्ट यू विल राइट द हेडिंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड द पार्लियामेंट नेम, लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड पार्लियामेंट नेम्स, ये हेडिंग हो गया मेन हेडिंग। उसके बाद ये बीच से लाइन खींचिए ऐसे, लाइक दिस। ओके, ताकि दो कॉलम बन जाए। ओके, एंड देन पहला कॉलम का हेडिंग लिखिए कंट्री और दूसरा कॉलम का हेडिंग यू राइट पार्लियामेंट नेम। ओके, अब यहां से सब पार्लियामेंट का नाम नहीं उतारना है, वही पार्लियामेंट का नाम उतारना है जो पार्लियामेंट का नाम मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके, इसमें से सभी नहीं करना आपको, जिसमें मैं टिक मारूंगा आपको वही लिस्ट लिखना है। इज दैट क्लियर? मैं बार बार बोल दूं, ये सारा का सारा नहीं लिखना है, जिसमें मैं टिक करूंगा वही लिखना है। ओके, जैसे देखो मैंने टिक किया अफगानिस्तान, सौरा अफगानिस्तान है, उसका पार्लियामेंट का नाम क्या है? सौरा, ये आपको लिखना है। देन अल्बेनिया पीपल्स असेंबली, उसका पार्लियामेंट का नाम क्या है? व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ अल्बेनिया पीपल्स असेंबली? व्हाट इज पार्लियामेंट नेम मीन, जहां से रूल होते हैं, जैसे हम लोग का पार्लियामेंट हाउस का नाम है ना, इंडिया का पार्लियामेंट हाउस का 50 रुपीज नोट में आपने देखा होगा, पार्लियामेंट हाउस यानी कि संसद भवन। तो उसी तरह हर एक देश का अपना अपना पार्लियामेंट का नाम है, वही आप लोगों को लिखना है। और किस किस देश का लिखना है जिसमें मैं टिक करूं, सिर्फ आपको वही लिखना है। ओके, जिसमें मैं टिक ना करूं वो नहीं लिखना है। ओके, ओनली राइट द टिक वन। पहले लिखो अफगानिस्तान, पार्लियामेंट नेम होगा शोरा। देन यू राइट अल्बेनिया, पार्लियामेंट नेम होगा पीपल्स असेंबली। देन यू राइट अल्गेरिया, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स असेंबली। देन यू राइट एंडोरा, पार्लियामेंट नेम जनरल काउंसिल। अंगोला नहीं लिखना है। अब आ जाओ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का पार्लियामेंट नेम है नेशनल कांग्रेस। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का लिखना है आपको पार्लियामेंट नेम फेडरल पार्लियामेंट। उसके बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का लिखना नेशनल असेंबली। उसके बाद आपको अजरबैजान नहीं लिखना, बहामास नहीं लिखना, बहरेन नहीं लिखना है। हाँ, राइट बांग्लादेश, बांग्लादेश का होगा पार्लियामेंट जातीय पार्लियामेंट। ओके, देन आपको लिखना उसके बाद भूटान का,
सोगरू, TSOGDU सोगरू, याद रहे जिस जिस में मैं टिक कर रहा हूं, द लिस्ट विच आई एम टिकिंग ओनली दैट यू विल राइट, सिर्फ वही लिखना है जिसको मैं टिक कर रहा हूं, इज दैट क्लियर, जिसको मैं टिक कर रहा हूं सिर्फ आप लोग वही लिखिएगा और कुछ नहीं, डन, जल्दी करो मुझे और भी देना है, राइट डाउन फास्ट, आई हैव टू गिव मोर, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन, डन हो गया सबका, एवरीवन हैज रिटन डाउन, वही लिखना जो मैंने टिक किया है, राइट ओनली द टिक वन, अफगानिस्तान का शोरा, अल्बेनिया पीपल्स असेंबली, अल्गेरिया नेशनल पीपल्स असेंबली, एंडोरा जनरल काउंसिल, अर्जेंटीना नेशनल कांग्रेस, ऑस्ट्रेलिया फेडरल पार्लियामेंट, ऑस्ट्रिया नेशनल असेंबली, बांग्लादेश जातीय पार्लियामेंट, भूटान सोगरू, नाउ आई एम मूविंग अहेड, ब्रिटेन, ब्रिटेन का लिखना आपको ओनली पार्लियामेंट, ये हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ इसको लिखो, ओके, पार्लियामेंट, ब्रिटेन का होगा पार्लियामेंट, दैट्स ऑल, डन, नाउ कनाडा, कनाडा का भी पार्लियामेंट नाम है पार्लियामेंट, चाइना नेशनल पीपल्स असेंबली, नेशनल पीपल्स असेंबली, डन टिल चाइना, डन ब्रिटेन का सिर्फ लिखना पार्लियामेंट, ये हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं लिखना है, नाउ आई एम मूविंग अहेड, अब लिखो क्रोशिया, क्रोशिया का होगा सबोर, क्रोशिया का सबोर, डेनमार्क, डेनमार्क का होगा फॉलकेटिंग, जिसपे मैं टिक लिख रहा हूं, टिक कर रहा हूं, आपको वही सेलेक्ट करना है, ओके, नाउ यू विल राइट, जर्मनी, जर्मनी का लिखो सिर्फ बुंडेस्टैग, बस ये वाला बुंडेस्टैग, जर्मनी बुंडेस्टैग, डन
उसके बाद लिखो ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट। उसके बाद लिखो ग्रीस चेंबर ऑफ डेप्यूटीज, ग्रीस का पार्लियामेंट नाम है चेंबर ऑफ डेप्यूटीज। देन राइट इंडिया, इंडिया का होगा संसद। देन यू राइट ईरान, ईरान का होगा मजलिस, ईरान मजलिस। देन यू राइट इज़राइल, इज़राइल विल बी नेसेट, द नेसेट। देन यू राइट जापान, जापान का होगा डाइट। द वन विच आई एम टिकिंग ओनली दैट यू विल राइट, जिसमें मैं टिक कर दे रहा हूं सिर्फ वही लिखना है बस। राइट डाउन फास्ट। I hope all of you have written down. उसके बाद लिखना है लिथुआना स्टीमर्स, मैग्नोलिया खुरल, फिर लिखना नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। राइट 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 फास्ट। उसके बाद लिखना नॉर्वे, नॉर्वे विल बी स्टॉटिंग। ओमान, ओमान का होगा मोनार्की। Done. Then you write Spain. Spain का होगा क्रोच, Spain का होगा क्रोच। उसके बाद ताइवान, युआन। That's all. बस इतना ही लिखना है।
Write down. Now see, these are the list heading लिखना था list of countries and the parliament names, okay? आज जिसमें से मैंने टिक दिया है वही लिखना है, एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम में लिखता कंट्री, दूसरा में पार्लियामेंट नेम। पहला होगा अफगानिस्तान, शोरा, अल्बेनिया पीपल असेंबली, अल्गेरिया नेशनल पीपल्स असेंबली, अंडोरा जनरल काउंसिल, अर्जेंटीना नेशनल कांग्रेस, ऑस्ट्रेलिया फेडरल पार्लियामेंट, ऑस्ट्रिया नेशनल असेंबली, देन बांग्लादेश जातीय पार्लियामेंट, भूटान सोगरू, then Britain only parliament, Canada parliament, China National People's Assembly, then Croatia Sabor, Denmark Folketing, Germany Bundestag, Great Britain का तो तुम लोग लिख ही चुके हो पार्लियामेंट, no need to write. Then Greece, Chamber of Deputies, India, Sansad, Iran, Majlis, Israel, Knesset, then Japan Diet, then Lithuania Simas, Magnolia Kural, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, देन नॉर्वे स्टॉटिंग, ओमान मोनेची, I hope all of you have written down. Oman monarchy, then Spain, Croats.
ताइवान युआन स्पेन क्रोच ताइवान युआन दैट्स ऑल नॉर्वे स्टॉटिंग ओमान मोनार्की स्पेन क्रोच ताइवान युआन बस आई एम स्टॉपिंग माई क्लास हियर आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन